वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज हम जो पढ़ेंगे वो है अल्टरनेटर ऑन लोड, मतलब कि अल्टरनेटर को लोड की ऑन लोड रहे, मतलब कि एट अ टाइम लोड कनेक्ट रहे उस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है इसमें, और क्या क्या इसके प्रभाव देखने मिलेंगे, क्या क्या बाधाएं आएगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे इसमें, ये देखेंगे दोस्तों। तो अल्टरनेटर ऑन लोड, तो ऑन लोड का मतलब होता है कि जैसे कि आपने सप्लाई सोर्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने किसी अल्टरनेटर को इनपुट सप्लाई दिया। इनपुट सप्लाई के रूप में हम मैकेनिकल पावर देंगे। तो जब किसी अल्टरनेटर को हम मैकेनिकल पावर देते हैं तो मैकेनिकल पावर को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हमने कर लिया दोस्तों, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल पावर ने जो कन्वर्ट किया है, यहाँ पर हम लोड कनेक्ट करेंगे। तो जो लोड कनेक्ट किया जाएगा, यही लोड कभी कभी क्या होता है, हम इसको सडनली चेंज करना पड़ता है हमें, अर्थात कि इन अल्टरनेटर द टर्मिनल लोड चेंज टू चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज। किसी भी अल्टरनेटर में यदि हम उसके टर्मिनल लोड को चेंज करते हैं, अर्थात कि लोड को हम कम ज्यादा करते हैं, तो उसका जो टर्मिनल लोड है वो यदि सडनली चेंज हो तो उसमें वोल्टेज भी, टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज होने लगेगा। क्लियर है सभी को? यदि किसी अल्टरनेटर में, ठीक है, यदि किसी अल्टरनेटर में हम टर्मिनल का जो लोड है, ठीक है, लोड यदि चेंज करते हैं तो उसके कारण टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज होता है। सभी को क्लियर है? अब यही टर्मिनल जो चेंज, मतलब कि टर्मिनल का लोड चेंज करने के कारण जो टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो रहा है, यही लोड के चेंजेस के कारण यहाँ पर वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। तो यही वोल्टेज चेंज किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, हम ये चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर सभी को? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रीजन इन अल्टरनेटर ऑन लोड कंडीशन ड्रॉप, मतलब कि यहाँ पर तीन ऐसे टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं अल्टरनेटर के, जब लोड को चेंज किया जाता है, अर्थात कि लोड के मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप तीन पैरामीटर पर डिपेंड करेंगे। तो यही तीन टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स इसके दोस्तों, यही थ्री टाइप्स पर डिपेंड करेगा कि अल्टरनेटर का वोल्टेज जो है वो चेंज कैसे हो रहा है। क्लियर है इतनी चीज? अब यहाँ पर देखे दोस्तों, तो बेसिकली जब हम अल्टरनेटर में लोड कनेक्ट करते हैं और लोड कनेक्ट करने के बाद लोड में यदि सडनली चेंजेस आ रहा है, लोड में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कारण लोड में परिवर्तन के कारण वोल्टेज में भी परिवर्तन होता है। तो ये जो टर्मिनल का जो लोड है, इस लोड के परिवर्तन के कारण टर्मिनल वोल्टेज भी इफेक्ट होता है, अर्थात कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वोल्टेज के मान में परिवर्तन होता है। तो जितना ज्यादा लोड कनेक्ट करेंगे आप, उतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। तो आप जितने ज्यादा लोड कनेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका अल्टरनेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, अर्थात ये कह सकते हैं कि लोड जितना ज्यादा कनेक्ट करोगे तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर कम आपको प्राप्त होगा। तो आपको जितना लोड कनेक्ट करना है उस हिसाब से आपको टर्मिनल वोल्टेज को भी यहाँ पर हमें कंट्रोल करना होगा। तो कंडीशन यही देखना है हमें, कौन कौन सी कंडीशन आती है। तो इसमें अल्टरनेटर ऑन लोड की जो कंडीशन होगी, इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस बाय वोल्टेज ड्रॉप फर्स्ट इसकी मेथड हो गई। इसमें तीन मेथड है, आर्मेचर रेजिस्टेंस बाय वोल्टेज ड्रॉप, सेकेंड मेथड है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस बाय आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस बाय अल्टरनेटर ऑन लोड। तो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस भी होता है इसमें, और थर्ड है दोस्तों इसमें आर्मेचर रिएक्शन। ये तीन कंडीशन ऐसी होती है जिसके कारण वोल्टेज में चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। चलिए क्लियर करते हैं इसको। ये जो तीन मेथड हमने बताया दोस्तों, ये तीनों मेथड के कारण यहाँ पर लोड में परिवर्तन होने पर वो टर्मिनल वोल्टेज में भी परिवर्तन होता है, जिसमें से आर्मेचर रेजिस्टेंस, और आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्लियर है? आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस के कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी वोल्टेज के मान में परिवर्तन होगा। ये तीन पैरामीटर्स ऐसे हैं दोस्तों जिसके कारण हमें यहाँ पर टर्मिनल में जो वोल्टेज प्राप्त होता है अल्टरनेटर के, वो कम प्राप्त होता है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर यदि फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखो, फर्स्ट टाइप के देखे हम, तो फर्स्ट टाइप में इसके तीन टाइप दिए हुए हैं दोस्तों, और फर्स्ट टाइप में हमको ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस,
तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है सर्किट में, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ये वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, चलिए हम इसे फर्स्ट इसका जो टाइप से इसे हम देखेंगे। ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण, अर्थात कि इसे हम कैसे शो करते हैं, IR, ठीक है। या तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस के कारण जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये किस वजह से होता है, इसे हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लियर है इतना। यहां पर हमें पता है IARA ये जो नेग्लेजिबल होता है, अर्थात कि आर्मेचर में IARA ये क्या होगा, नेग्लेजिबल मिलेगा। तो IARA का मान नेग्लेजिबल प्राप्त होता है, इसी के कारण यहाँ पर जो IARA जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, अर्थात कि यदि आर्मेचर का रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा, अर्थात आर के इंक्रीज पर वोल्टेज ड्रॉप स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर सॉरी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है। जब आर्मेचर वाइंडिंग मोटे कॉपर वायर की बनाई जाती है, इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है दोस्तों, वो मोटा कॉपर का बना होता है, अर्थात कि यहाँ पर जो वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर में, वो कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। इतना क्लियर है सभी को। यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत कम रखा जाता है दोस्तों। तो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसे RA से शो करते हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पर शो किया गया है RA से। चलिए इसे क्लियर करते हैं। जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है इसे RA से शो किया जाता है, अर्थात कि ये RA, और आर्मेचर करेंट जो है वो IA है। तो यही जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस का मान कम होता है यहाँ पर। तो कॉपर के मोटे मोटे बार बने होते हैं, और इसी जो कॉपर कंडक्टर है, जिसे हम कॉपर कंडक्टर कहते हैं, ये स्लॉट में लगा होता है कॉपर कंडक्टर। तो ये आर्मेचर के स्लॉट में लगा होता है, और आर्मेचर जो है वो स्टेटर पार्ट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, स्टेटर पार्ट होता है किसका, अल्टरनेटर का। तो अल्टरनेटर का स्टेटर पार्ट जिसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, अर्थात RA का जो मान होगा दोस्तों, वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। परंतु हम आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज कर दें या बढ़ जाए, तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम होता है। किसकी वजह से, जब रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है, तब आर्मेचर वाइंडिंग का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कम होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। तो इसमें ये कह सकते हैं, यदि हमने यहाँ पर R इज इक्वल टू रो एल अपान ए होता है, ये फार्मूला है दोस्तों, रो एल अपान ए। अब यहाँ पर रो एल अपान ए वाला जो फार्मूला है, अर्थात कि यहाँ पर देखें कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम कर दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया है ये बढ़ाना पड़ेगा। आर्मेचर का रेजिस्टेंस यदि कम करना है, तो एरिया क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यही फंडे को, यही फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर यही इसी इंस्टेंट का हम इस एक फार्मूले का यूज करते हैं, और इसी फार्मूले का यूज करके हम जब भी आर्मेचर का रेजिस्टेंस यदि हमें कम कर देंगे इसमें, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम करने पर एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि वोल्टेज ड्रॉप को कम करना है तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, किसी रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, तो आर्मेचर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप ये कम हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट है, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण होता है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस के कारण भी। तो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस को शो किया जाता है एक्स से, ये रिएक्टेंस का मान है दोस्तों। अब ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर में वाइंडिंग होती है, और ये जो वाइंडिंग होती है ये कॉपर की होती है, और ये जो वाइंडिंग है दोस्तों ये इंडक्टिव कॉइल होती है, क्लियर है, इंडक्टिव कॉइल है।
तो ये इंडक्टिव क्वाइल होने के कारण यहाँ पर हम इसमें एक्स एल लिखते हैं दोस्तों, ठीक है? अब क्लियर हुआ? तो एक्स एल जो है, एक्स एल इज इक्वल टू आई ए इंटू एक्स एल हो जाएगा। तो ये आर्मेचर का रजिस्टर, आर्मेचर की करंट हो जाएगी, जिसे कहेंगे आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, और ये आर्मेचर रिएक्टेंस। तो ये आर्मेचर का लीकेज, लीकेज रिएक्टेंस, तो ये हो जाएगा आर्मेचर का लीकेज रिएक्टेंस दोस्तों। तो आर्मेचर के लीकेज रिएक्टेंस और ये जो आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस है, ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स एल इज इक्वल टू आई ए इंटू एक्स एल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो लीकेज रिएक्टेंस है, इसी लीकेज रिएक्टेंस को वो करंट के इंटू में होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यदि हमें वोल्टेज ड्रॉप को कम करना है तो लीकेज रिएक्टेंस को भी कम करना पड़ेगा। व्हेन द आर्मेचर कंडक्टर फॉलोइंग द करंट टू सेटअप द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आर्मेचर जो करंट होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करती है, बट दिस ऑल फ्लक्स नॉट फ्लो ऑन एयर गैप, ये जो फ्लक्स है वो एयर गैप में फ्लो नहीं होती है। इन एयर गैप एंड फ्लो पार्ट्स एंड क्वांटिटी, जो है इसके जो पार्ट्स हैं और जो क्वांटिटी है दोस्तों, वो आर्मेचर वाइंडिंग के अराउंड में, आसपास में ही फ्लो होते हैं, बाकी एयर गैप जहां पर है वहां पर फ्लो नहीं होते। इसी के कारण यहाँ पर जो रिएक्टेंस का मान है, ठीक है, वो रिएक्टेंस का मान कम बनता है। और दिस केस में यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ये टर्मिनल वोल्टेज के ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है, मतलब कि ये जो रिएक्टेंस का मान है, अर्थात कि लीकेज रिएक्टेंस का मान है, ये लीकेज रिएक्टेंस के मान को यदि हम कम कर देते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही लीकेज रिएक्टेंस के मान को कम करना होगा, इसको कम करना होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इतनी चीजों को हमें फॉलो करना होगा स्टूडेंट, तभी वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। क्लियर है इतना? तो ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड। अब देखेंगे थर्ड मेथड, जब अल्टरनेटर में लोड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, मतलब कि लोड कनेक्ट है, ऑन लोड है, उस सिचुएशन में अल्टरनेटर में क्या होता है। तो ये तीन मेथड हमने बताया दोस्तों। फर्स्ट मेथड क्या बताया हमने, आर्मेचर रेजिस्टेंस बाय वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रेजिस्टेंस के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस के द्वारा भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्लियर है? हमने दो मेथड देख लिए, तीसरी मेथड है, थर्ड मेथड, आर्मेचर रिएक्शन। ये आर्मेचर रिएक्शन दोस्तों बेसिकली हमने डीसी मोटर में पढ़ा था, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर में। तो आर्मेचर रिएक्शन मेन जो है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, पहली बात तो ये मेन पॉइंट है। तो आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए हमें डीसी मोटर में जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब तक हमें डीसी मोटर समझ में नहीं आएगा, डीसी मोटर में क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन, या डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, यदि ये हमें समझ में नहीं आया तो फिर आगे ये भी समझ में आपको नहीं आएगा दोस्तों। तो बेसिकली जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फिलहाल तो हम आर्मेचर रिएक्शन को देखेंगे, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब ये जो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है और आर्मेचर रिएक्शन को हम कैसे समझे, तो बेसिकली जो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन जो है, वो आर्मेचर में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसमें एक प्रकार की बाधा है। तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, आर्मेचर के द्वारा स्थापित मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा, या आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा स्थापित जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड मेन मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ने वाले इफेक्ट, मतलब कि मेन जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थात कि फील्ड पर, मेन मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ने वाला जो इफेक्ट होता है, वही आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अर्थात हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि आर्मेचर के द्वारा, देखो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। क्लियर है? यही कोई समझो, मान के चलो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, और आर्मेचर वाइंडिंग ये रोटर के अंदर होता है, तो ये रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है, हाँ
हम यहाँ पर डीसी जनरेटर, डीसी मोटर की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्लियर है? आर्मेचर रिएक्शन समझने के लिए डीसी मोटर या डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं हम, क्लियर है? अब ये रोटर पार्ट है अंदर वाला। इस रोटर पार्ट में दोस्तों, इस वाइंडिंग में आर्मेचर रिएक्शन समझ रहे हैं, तो आर्मेचर के द्वारा मतलब इस वाइंडिंग के द्वारा स्थापित मैग्नेटिक फील्ड, ये इस वाइंडिंग के द्वारा आर्मेचर के द्वारा स्थापित जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मेन मैग्नेटिक फील्ड अर्थात कि ये जो स्टेटर पार्ट है अर्थात स्टेटर में जो पोल लगे हैं, स्टेटर पोल में जो मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है उस पर इफेक्ट पैदा करता है। अर्थात आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड मेन मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट पैदा करता है, जिसके कारण आर्मेचर रिएक्शन होता है। इससे इजी इसका इसकी परिभाषा नहीं हो सकती दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन की, क्लियर है? तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर वाइंडिंग में या मेन वाइंडिंग या मेन मैग्नेटिक फील्ड में उत्पन्न जो इफेक्ट है उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ लोड। तो आर्मेचर रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है दोस्तों, याद रखिएगा, आर्मेचर रिएक्शन लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लक्स। इसमें दो प्रकार की फ्लक्स होती है। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको इसकी परिभाषा बताया, फर्स्ट फ्लक्स बाय आर्मेचर करेंट। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग के कारण जो करंट उत्पन्न होगी और उसी करंट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा दोस्तों। तो ये फ्लक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा, आर्मेचर की जो फ्लक्स है, आर्मेचर के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स, और सेकेंड हो जाएगा फ्लक्स बाय मेन पोल फ्लक्स अर्थात की जो स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग जिसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग, क्लियर है? जिसे कहेंगे फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स है, ये दोनों फ्लक्स, ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो टाइप्स होते हैं इसके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लक्स। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और दूसरा मेन फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब ये जो दोनों फ्लक्स हैं ये किस पर इफेक्ट करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन में के कारण क्या होगा? तो इसमें आर्मेचर की जो करंट के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स होती है वो मेन पोल की फ्लक्स को इफेक्ट करती है, और इसे ही हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन की, ठीक है, इसकी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। आर्मेचर रिएक्शन मुंह जबानी याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट को। तो आर्मेचर की जो करंट है, आर्मेचर के करंट के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स मेन पोल की फ्लक्स को इफेक्ट करती है। तो मेन पोल की फ्लक्स अर्थात की फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स को इफेक्ट करती है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला है दोस्तों, यदि हम देखें तो इसका फार्मूला इस टाइप से बनेगा, ई नॉट इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए ब्रेकेट में जे एक्स ए इंटू जे एक्स एल, ठीक है दोस्तों? ये रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस रिएक्टेंस एंड डीसी मशीन, तो डीसी मशीन का रिएक्टेंस है। ई नॉट इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे एक्स एल, ये इसका पूरा मान जो है दोस्तों, ये इससे एड हो गया तो जे एक्स एल बचा इसमें। तो यहां पर हमें आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसी पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना था दोस्तों कि तीन टाइप से इसके थ्री मेथड्स होते हैं, और थ्री मेथड के कारण ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। जो टर्मिनल पर जो हमें वोल्टेज मिलता है ड्रॉप, यही वोल्टेज ड्रॉप अल्टरनेटर की ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। मतलब अल्टरनेटर का जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप इन तीनों पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट बताया मैंने, एक तो रेजिस्टेंस के कारण, दूसरा लीकेज रिएक्टेंस के कारण। एक तो फर्स्ट है पॉइंट रेजिस्टेंस के कारण, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, आर्मेचर के लीकेज रिएक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा, आर्मेचर जो रेजिस्टेंस है उसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्तों। ये तीन मेथड है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, जब लोड कनेक्ट होगा इस सिचुएशन में यहाँ पर
आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हमें ये तीन रीजन देखना था दोस्तों कि वोल्टेज ड्रॉप किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव था कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप अल्टरनेटर में किस वजह से हो रहा है। तो अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप का ये तीन रीजन है दोस्तों, और ये तीनों रीजन के कारण ही अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप हमें देखने मिलता है। इतना क्लियर है सभी को दोस्तों? क्योंकि अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमें टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो ज्यादा प्राप्त नहीं होगा, हमें जो टर्मिनल पर वोल्टेज प्राप्त होगा वो कम प्राप्त होगा दोस्तों। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को? चलिए ये देखो उसका डायग्राम, ये उसका डायग्राम है, ये इस डायग्राम से भी हम इसे समझ सकते हैं दोस्तों। क्लियर है सभी को? ये डायग्राम है, इस डायग्राम से भी इसे हम समझ सकते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो यहाँ पर जब आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप होगा उसे यदि देखें, तो आर्मेचर रिएक्शन किस किस पर डिपेंड करता है? अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता है, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है ये देखेंगे। क्लियर है? अल्टरनेटर में भी आर्मेचर रिएक्शन होता है दोस्तों, याद रखिए सभी स्टूडेंट, अल्टरनेटर में भी आर्मेचर रिएक्शन होता है। डीसी मोटर डीसी जनरेटर में तो होता ही है, लेकिन अल्टरनेटर में भी आर्मेचर रिएक्शन होता है। क्लियर है? अब ये जो अल्टरनेटर का जो आर्मेचर रिएक्शन है ये किस किस पर डिपेंड करता है? तो ये लोड करंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, लोड के पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग पावर फैक्टर की वैल्यू भी इसमें चेंज होगी, मतलब कि इसमें अलग अलग पावर फैक्टर की भी इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब कि अलग अलग पावर फैक्टर पर भी वोल्टेज चेंज होते रहता है, और इसके कारण आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी होता है ये वोल्टेज में चेंजेस सडनली। अर्थात ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, लोड की करंट पर भी आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड करता है, लोड के पावर फैक्टर पर भी आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड करता है, और अलग अलग पावर फैक्टर पर भी आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड करता है। तो आर्मेचर की जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट स्पीड अर्थात कि सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करती है, याद रखिएगा। जो आर्मेचर की जो फ्लक्स है फाई, आर्मेचर की फ्लक्स फाई ये कांस्टेंट स्पीड अर्थात कि सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करती है। इतना क्लियर है सभी स्टूडेंट को? सभी स्टूडेंट क्लियर है? तो यहाँ पर बेसिकली यही चीज देखने मिलता है हमें। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है दोस्तों, ये इतनी चीज तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, मानो या ना मानो, इतनी चीज आपको कांस्टेंट याद रखना ही होगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, और अल्टरनेटर जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है 3/2 φm होता है, याद रखिएगा 3/2 φm, 3/2 गुना होता है इसका फ्लक्स का, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है 3/2 φm। क्लियर है? ये मैं अल्टरनेटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है कि अल्टरनेटर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है। क्लियर है सभी को? चलिए अब यहाँ पर देखें हम, तो अल्टरनेटर में बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप के हमने तीन मेथड को देखा, और ये तीनों मेथड अल्टरनेटर में होने वाले लोड के मान में परिवर्तन पर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर के लोड पर भी आर्मेचर की फ्लक्स मेन पोल की फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करती है। यदि यूनिटी पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर काम करे तो यूनिटी पावर फैक्टर पर भी, यूनिटी अर्थात की इकाई पावर फैक्टर पर भी दोस्तों, इकाई पावर फैक्टर पर भी यहां पर आपको लोड पर आर्मेचर की जो फ्लक्स मिलेगी फाई, आर्मेचर की फ्लक्स फाई ये मेन पोल की फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करती है, ये मेन पोल की फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करती है, अर्थात कि स्टेटर वाइंडिंग की फ्लक्स, या इसे बोल सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की फ्लक्स, आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री लैग करेंगे। क्या करेंगे? 90 डिग्री लैग करेंगे दोस्तों। तो
ये आर्मेचर वाइंडिंग की फ्लक्स हो जाएगी, फ्लक्स मैं इसे ए दे देता हूँ, फ्लक्स फाई ए, और ये हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग की, तो ये फ्लक्स फाई एफ। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है दोस्तों, 90 डिग्री लैग करती है, लैग का मतलब कि पीछे, 90 डिग्री लैग। तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा दोस्तों, ये डायग्राम इस टाइप से बनेगा, लैग करेगी तो नीचे बनेगा और लीड करेगी तो ऊपर बनेगा, क्लियर है, लीड करती तो ऊपर बनता है, लैग कर रही है 90 डिग्री तो नीचे बनेगा। इतना क्लियर है सभी को? चलिए, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड आर्मेचर, तो इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड आर्मेचर, तो मतलब कि आर्मेचर पर पावर फैक्टर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली यदि हम देखें दोस्तों यहाँ पर, तो आर्मेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखने में हमें मिलेगा। चलिए, यूनिटी जब इसमें इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड आर्मेचर रिएक्शन, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो पावर फैक्टर हमें यहाँ पर देखने मिलता है आर्मेचर में, तो कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं पावर फैक्टर के कारण जो आर्मेचर रिएक्शन में होता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर और जीरो जीरो लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि जीरो लैगिंग पावर फैक्टर होगा एक। देखो बेसिकली यहाँ पर तीन पावर फैक्टर काम करेंगे, एक तो यूनिटी पावर फैक्टर, क्लियर है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, सेकेंड हो जाएगा जीरो लैगिंग पावर फैक्टर, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर, या इसे कहेंगे इंडक्टिव लोड, या कहेंगे इसे इंडक्टिव इंडक्टिव लोड, या कहेंगे इसे हम इंडक्टिव लोड, और थर्ड है दोस्तों जीरो लीडिंग पावर फैक्टर, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर, जीरो लीडिंग पावर फैक्टर, क्लियर है, या प्योर कैपेसिटिव लोड, या इसे कहेंगे प्योर कैपेसिटिव लोड, प्योर कैपेसिटिव लोड, क्लियर है इतना। ये तीन प्रकार के इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड आर्मेचर रिएक्शन, मतलब कि पावर फैक्टर का आर्मेचर रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये तीन प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों, ये तीनों इफेक्ट हमें याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछे जाते हैं, क्लियर है। एक तो यूनिटी पावर फैक्टर लोड और जीरो लैगिंग पावर फैक्टर लोड, जिसे इंडक्टिव लोड भी कहते हैं, और जीरो लीडिंग पावर फैक्टर, तो लीडिंग में होगा तो कैपेसिटिव लोड होगा, ये इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, लैगिंग होगा तो इंडक्टिव लोड होगा। इतना क्लियर है सभी को, सभी स्टूडेंट को? यदि इसको डायग्राम के तौर पे समझेंगे तो कैसा समझेंगे, चलिए इसको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको सभी स्टूडेंट को। देखो इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर ये मान के चलिए इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में ये फाई ए है आर्मेचर, ये आर्मेचर है स्टेटर का, और ये फ्लक्स मेन पोल की फ्लक्स है, ये रोटर की फ्लक्स है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, क्लियर है सभी को, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लोड पर आर्मेचर की फ्लक्स मेन पोल की फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करती है। तो यहां पर वही चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, ये जो मेन पोल की फ्लक्स है और ये आर्मेचर की फ्लक्स, ये आर्मेचर वाइंडिंग की फ्लक्स है दोस्तों और ये मेन पोल की फ्लक्स है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन लैगिंग बनेगा, याद रखिए लैगिंग का एंगल बनेगा, लैगिंग का इसलिए बनेगा, लैगिंग पावर फैक्टर हुआ यहाँ पर 90 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर, क्लियर है सभी को? इतना सभी को क्लियर है दोस्तों, 90 डिग्री लैग बनेगा, अर्थात कि मेन पोल की फ्लक्स, मेन पोल की फ्लक्स अर्थात रोटर की फ्लक्स, मेन पोल की फ्लक्स का मतलब होता है रोटर की फ्लक्स, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगी है, ठीक है दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगी है और आर्मेचर की वाइंडिंग कहाँ लगी है, इन दोनों के पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीसी मोटर, डीसी मोटर में जब हम देखते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर उसको कंपेयर किया गया है, याद रखिएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री होते हैं। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लोड पर आर्मेचर की जो फ्लक्स होती है मेन पोल की फ्लक्स से 90 डिग्री लेग करती है,
तो मेन पोल की जो फ्लक्स को बीच से तोड़ने की कोशिश करती है, ये जो मेन पोल की फ्लक्स है यहीं से, यही बीच से तोड़ने की कोशिश करती है, यही मेन पोल की फ्लक्स को, ये आर्मेचर रिएक्शन। तो मेन पोल की फ्लक्स को बीच से तोड़ने की कोशिश करती है, इसे ही हम आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ये मेन यहीं पर उत्पन्न होता है। तो ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जीरो लैगिंग पावर फैक्टर लोड इज कॉल्ड प्योर इंडक्टिव लोड होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इसके जो यूनिटी पावर फैक्टर जो लोड होता है, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर इन आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर में जो पावर फैक्टर पर इफेक्ट पैदा करता है, यही इफेक्ट सबसे पहले हमने देखा यूनिटी पावर फैक्टर लोड, और यही यूनिटी पावर फैक्टर लोड के कारण क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यहाँ पर पैदा कौन करता है? आर्मेचर रिएक्शन करता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो बेसिकली दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है कि आर्मेचर वाइंडिंग में या आर्मेचर रिएक्शन जो है, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन पर पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। सेकेंड मेथड है दोस्तों, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर लोड इज कॉल्ड प्योर इंडक्टिव लोड है। अर्थात कि हम ये मान के चले कि कोई कैपेसिटिव, रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, तीन प्रकार के लोड होते हैं। तीन प्रकार के लोड में एक रजिस्टिव लोड था, दूसरा लोड है प्योर इंडक्टिव लोड, अर्थात कि इंडक्टिव क्वाइल ही लपेटी गई है। अर्थात ये जो क्वाइल दिखती है दोस्तों, ये है इंडक्टिव क्वाइल और ये प्योर इंडक्टिव लोड होता है। तो इस प्योर इंडक्टिव लोड के कारण भी पावर फैक्टर में यहाँ पर परिवर्तन होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट पैदा होते हैं। तो चलिए देखेंगे हम यहाँ पर क्या होता है। सेकेंड मेथड क्या होती है दोस्तों, कि ये आर्मेचर स्टेटर की आर्मेचर फ्लक्स है, स्टेटर पार्ट की आर्मेचर फ्लक्स है, और ये मेन पोल मतलब कि रोटर की आर्मेचर फ्लक्स है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इन दोनों का जो डायरेक्शन मिलेगा ये अपोजिट मिलेगा। तो जब आर्मेचर फ्लक्स अर्थात स्टेटर पार्ट में लगे हुए आर्मेचर वाइंडिंग की फ्लक्स और मेन फील्ड वाइंडिंग अर्थात कि रोटर जो है, मेन पोल की रोटर की जो फ्लक्स है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाए या अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण यहाँ पर जो इफेक्ट पैदा होता है, यह डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। क्लियर है सभी को? तो इसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स हमें प्राप्त होता है, ये रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पर फाइ आर इज इक्वल टू फाइ एम पोल माइनस, अर्थात कि फ्लक्स मेन पोल माइनस आर्मी।